देखिए, सबसे जो दुख की बात है कि आज कैथल जिले के अंदर पहला जो केस है, एक पॉजिटिव केस मिला है, उसकी अभी रिपोर्ट आई है, वो दिल्ली निजामुद्दीन मरकज में गया था। और सबसे बड़ी बात, दुख की बात ये है, बाकी यहाँ के चार आदमी थे जो मरकज में गए थे निजामुद्दीन, चार में से तीन का तो नेगेटिव आ गया था, एक का पॉजिटिव आया है। और उसको सबसे बड़ी दुख की बात यह है, इस टाइम पे मैं समझता हूं कि वे सारा देश कोरोना का वो है, इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जितने भी कोई धार्मिक गुरु है, किसी भी धर्म का है, किसी भी उसका है, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। ये बहुत हरियाणा के लिए भी, देश के लिए भी, जो दिल्ली मरकज में है, बहुत एक चिंता का विषय है, ये बहुत सबके लिए दुख की बात है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये जो आदमी है, ये 8 से 12 तक जो है निजामुद्दीन मरकज में रहा, उसके बाद ये 12 से 30 तक अलग अलग दिन कोई जामा मस्जिद, कहीं अलग अलग मस्जिदों में इनका 4-5 आदमी जो ग्रुप था, सब अलग अलग घूमते रहे सारे। और यहां पे 30 तारीख को ही आया, और 30 तारीख को आने के बाद 31 तारीख को इसको उठा लिया। 31 तारीख को उठाने के बाद इसको क्वारंटाइन किया, एक ही दिन है। इसके परिवार में 5 आदमी है, इसका बेटा, इसकी वाइफ, बेटे की वाइफ, एक पोता, एक पोती, उन सबको भी हमने क्वारंटाइन में, उनको भी सबको कह दिया डालने के लिए, सब क्वारंटाइन में चले जाएंगे। इनका जो घर है और जितने भी मरकज में गए थे, उसको भी हमने पूरा सैनिटाइज करा रहे हैं, पूरा का सारा। उसने ये जिस एरिया में रहता है, उस एरिया को भी कॉर्डन ऑफ करके वहां भी हम इस पे सारा उसको सैनिटाइज कराएंगे। सारी जो भी सरकार की गाइडलाइंस है, हेल्थ डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस है, उनकी हम पालना करेंगे। मैं इस चीज के लिए एसपी साहब को और डीसी साहब को मुबारकबाद देता हूं कि वो 30 को आया, 31 को उठा लिया। मैं समझता हूं यदि उठाने में एडमिनिस्ट्रेशन कोई नलायकी करता, तो ये हमारे लिए और ज्यादा पता नहीं कितने लोगों से मिलता, क्या करता, ये और चिंता की बात हो जाती। सर, अब जिला कैथल में ज्यादा चिंता हो जाती है, पूरे जिले को किस तरह से मैं सारे कैथल वासियों से एक ही बात कहूंगा। एक तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल 5 तारीख को 9:09 तक के तमाम अपने घरों की लाइट ऑफ करेंगे, वहां पे दिया जलाएंगे, मोमबत्ती जलाएंगे, बैटरी जलाएंगे, मोबाइल जलाएंगे। लेकिन मैं कैथल वासियों को एक चीज और भी कहता हूं कि अपने घरों में सिर्फ लाइट ऑफ करनी है, आपका जनरेटर चल रहा है, आपका एसी चल रहा है, आपका गीजर चल रहा है, और भी जो चीज वो बंद नहीं करनी है। ये ना हो कि भी कोई लिफ्ट में रुक रह जाए। मेरा ये है कि घर की सिर्फ बत्ती ऑफ करनी है और कुछ नहीं है। आपका पंखा चल रहा है, आपका एसी चल रहा है, वो सब चलते रहेंगे। सर, ये जो पॉजिटिव आया, इसका इलाज कैथल में चल रहा है, इसकी उम्र कितनी है सर? इसकी उम्र जो है 62 साल है। जो ये एक आदमी हमारा जो पॉजिटिव आया है, इसकी उम्र 62 साल है। और इसका इलाज जो हमारे कैथल सिविल हॉस्पिटल के यो जो CMO और जो योग्य डॉक्टरों की टीम है, वो कर रही है। और जब भी हमें कोई भी डॉक्टर्स की जो राय होगी और होगी, हम उसके अनुसार काम करेंगे। अभी तक यही है सर, रेफर? अभी तक सिविल हॉस्पिटल कैथल में है, कोई रेफर नहीं किया। और हमारे जो CMO साहब और उनकी टीम है, वो सक्षम है, वो इस चीज को बेखूबी निभा रही है। सर, हरियाणा सरकार के प्रोजेक्ट के चेयरमैन है रोके मित्तल, आज उन्होंने रोक लगाया कि कुछ लोगों द्वारा धारा 144 का उल्लंघन किया। रणदीप सिंह सुरजेवाला पर आरोप लगाया है जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया पर। देखिए, मैं इस चीज के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा कि इस तरह की जब भी इन्फॉर्मेशन आई थी, डीसी साहब, एसपी साहब ने हमारी टीम भेजी। और हमारा सबको एक ही चीज है कि कोई भी आदमी हो, कैथल की 11.5 लाख जनता है, सभी, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, किसी से भी हो, इस दुख की घड़ी में सबसे हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। यदि हम इसका ध्यान नहीं रखेंगे, ये ना कोई पार्टी की बात, ना कोई धर्म की बात, ना कोई जाति की बात, सबका मकसद एक है कि भी आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। और ये बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं हेल्थ सर्विसेज में आप देखोगे पूरा वर्ल्ड परेशान है, अमेरिका, इटली,
फ्रांस, सारे देश आप देखोगे हेल्थ सर्विस में हमारे से बहुत आगे हैं। और हमारे लिए तो मैं कहता हूं सबसे बड़ी बात यह है जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो 21 दिन का लॉकडाउन किया है, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा कदम है। ये कदम इसके सभी लोग इसकी पालना करें, इसकी पालना नहीं करेंगे तो आप समझो कि आपके घर में कोई जो दुख आएगा उसको कोई दूर नहीं कर पाएगा। इस चीज की कोई दवाई भी नहीं है, चाहे आप कहीं भी चले जाओ दवाई भी नहीं बनी अभी तक। तो मैं समझता हूं लाइफ के अंदर आपने घर में रहना हो तो कुछ नहीं करना। मैं कैथल वासियों से एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप घर में रहना पसंद करोगे, हॉस्पिटल में रहना पसंद करोगे या किसी फोटो फ्रेम में लगना पसंद करोगे? ये तो निर्णय आपने करना है। सर ये जो रुकी मित्तल शिकायत दे रहे हैं उसको भी कार्रवाई ऐसा है, जो शिकायत वगैरह दी है वो एसपी साहब को शिकायत दे दी गई है, एसपी साहब उसका अध्ययन करके जो भी